कोई माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करना चाहता है, ठीक है, वो सालों तैयारी करता है, शायद पूरी जिंदगी तैयारी करता है। And then he is in the harshest of climate. फिर वो बहुत कठोर मौसम में जाता है, जीवन का हर सुख छोड़ते हुए, सुविधाएं, परिवार, समाज, हर उस चीज का त्याग करता है जिसे आम लोग आमतौर पर पाना चाहते हैं, सिर्फ पहाड़ पर चढ़ने के लिए। पर क्या आपको वाकई लगता है कि ये त्याग है, या वो अपने जीवन में ऐसी संभावना को सच कर रहा है जिसकी आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते? यही ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य शब्द का मतलब है ब्रह्मन, मतलब परम, चर्य मतलब मार्ग। वे परम के मार्ग पर हैं, या दूसरे शब्दों में वे छोटी चीजों से संतुष्ट होने को तैयार नहीं है। तो हर वो व्यक्ति जिसने अपने जीवन में कुछ सार्थक रचा है, उसने स्वाभाविक रूप से उन मामूली सुखों का त्याग किया है जो दूसरों के पास हैं। जब आप फिल्म बना रहे होते हैं, शायद आप ठीक से खाते या सोते नहीं होंगे। क्या आप दोपहर की झपकी लेते हैं, पत्नी के साथ बैठते हैं, नींद का मजा लेते हैं, परिवार के साथ खाते हैं? क्या आप ये सब करते हैं? आप सब कुछ छोड़ देते हैं क्योंकि आप कुछ रचना चाहते हैं, है ना? क्या ये हर उस आदमी या औरत के लिए सच नहीं है जिसने अपने जीवन में कुछ सार्थक किया है? यही बात ब्रह्मचर्य के साथ है, वे परम सत्य के मार्ग पर हैं। इसके कारण उनका ध्यान उन चीजों पर नहीं जाता जिन्हें लोग कीमती समझते हैं। तो परम क्या है? देखिए, यहां अगर आप आसपास देखें, यहां ईंट पत्थर है, बल्कि मिट्टी और पत्थर हैं, पेड़ पौधे हैं, ये सृष्टि है। अगर आप इसे यहां देखें तो इसी मिट्टी से ये पेड़ निकला है। अभी इसमें फूल नहीं है, पर इसमें बहुत सुंदर और खुशबूदार फूल आते हैं। इसी मिट्टी से आम का पेड़ निकलेगा और आम देगा। इसी मिट्टी से आप बने हैं और फिल्म बना रहे हैं। इसी मिट्टी से मैं बना हूं और मैं गुरु हूं। तो यहां कुछ ऐसा है जो इस मिट्टी को पेड़, फल, फिल्म मेकर, गुरु और अरबों दूसरी चीजों में बदल सकता है। क्या आप जानना नहीं चाहते कि वो क्या है? क्या आप इसका अनुभव नहीं करना चाहते? और अगर यह स्वर्ग में कहीं होता तो मुझे कोई मतलब नहीं होता, मगर यहां कुछ है जो चावल के दाने या केले को या फिर रोटी को इंसान में बदल देता है। यह सृष्टि का परम स्रोत है। आप जानना नहीं चाहते कि वो क्या है? आप इसके अनुभव, इसकी शक्ति, सुंदरता और आनंद को नहीं जानना चाहते? तो ये वो लोग हैं जो उसका स्वाद चख चुके हैं और अब उसे पूरा पाना चाहते हैं। उन्हें अपने खाने की परवाह नहीं है, उन्हें शराब, सिगरेट या दूसरे मामूली शारीरिक सुखों का आनंद उठाने की परवाह नहीं है जिनकी बाकी लोगों को लत लग गई है। उन्होंने परम तत्व का स्वाद चख लिया है और अब उन्हें वो पूरा चाहिए। वे उससे कम कोई भी चीज पाकर संतुष्ट नहीं होंगे। एक गुरु होने के नाते मेरा काम सिर्फ आपको उस परम का स्वाद चखाना है, ताकि आपके जीवन में हलचल मच जाए, आप दीवाने हो जाएं और उसे पाना चाहें। स्वाद चखने के बाद आपसे रुका नहीं जाएगा। तो आपका काम लोगों को दीवाना करना है? हाँ, क्योंकि लोग अगर आराम, सुरक्षा के नाम पर जीवन भर सोते रहते हैं तो वे अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। उन्हें पूरा रास्ता तय करना चाहिए। ये मेरी इच्छा नहीं है, उनकी भी इच्छा है, क्योंकि अगर आप में कुछ करने की इच्छा है, अगर वो हो जाता है तो आप अगली इच्छा करेंगे, फिर अगली और फिर अगली। अगर आप अपनी इच्छा की प्रक्रिया को ध्यान से देखें तो पाएंगे कि आप किसी सीमित चीज को पाकर संतुष्ट नहीं होंगे, है ना? आपके अंदर कोई चीज है जिसे सीमाएं पसंद नहीं है। आपके अंदर कोई चीज है जिसे हमेशा परम तत्व की चाहत है। तो ये मेरा विचार नहीं है, ये मेरा सिद्धांत नहीं है कि आपको परम तत्व को खोजना चाहिए। आप वैसे भी अचेतन तरीकों से परम तत्व को खोज रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि अचेतन रूपों से खोजने पर आप हमेशा हताश बने रहेंगे और उसे पाने की संभावना बहुत कम होगी। आप जो खोजना चाहते हैं उसे सचेतन और फोकस्ड तरीके से खोजना बेहतर है। तो ब्रह्मचारी ऐसे लोग हैं, वे भी वही खोज रहे हैं जो आप खोज रहे हैं, मगर वे 100% चेतन होकर खोज रहे हैं।